यस हेलो सो वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी आपके ड्रीम है जल्दी से कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और आगे जा सकें। दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस एंड राजस्थान पुलिस का एक स्पेशल बैच। आपकी ही डिमांड पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का एक बैच हमारे लिए लेके आइए। तो आज से वो बैच स्टार्ट हो गया है। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स मैथ्स और रीजनिंग के आने वाले हैं दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस में, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारे पढ़ाने के तरीके की, एक एक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी नोटिफिकेशंस निकला हुआ है। अभी भी अगर आप किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। दूसरी चीज़, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th ही है, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो जिसने भी अभी फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म फिल कर सकता है। बात करें सिलेबस की, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का सिलेबस सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स का डिफरेंस है। तो हम पहले वो कॉमन टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो दोनों एग्जामिनेशन में आएंगे, उसके बाद में जो टॉपिक्स रिमेनिंग हो जाएगा उसको हम आपको इजीली करा देंगे। तो सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों दिल्ली पुलिस के सिलेबस की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का ये सिलेबस आपके सामने है। मैथ्स 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 ही मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 ही मार्क्स के। उसके बाद हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स, तो जीके और करंट अफेयर्स यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, और ये 50 मार्क्स के होंगे। और लास्ट में कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। तो टोटल हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और 100 ही मार्क्स यहाँ पे आपके होने वाले हैं। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको इन क्वेश्चंस को ख़त्म करना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो जब हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको टाइमिंग का भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई सिलेबस की और पैटर्न की। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि इस बैच में हम आपको स्पेशल रीजनिंग और स्पेशल मैथ कराने वाले हैं विद लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन। लास्ट 10 साल के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन भी आपको इसी बैच में करने को मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, क्या कंटेंट फॉलो करें। तो मैं आपको पर्सनली सलाह देता हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली क्लास लीजिए। क्लास का टाइमिंग है 11 बजे। जो जो पैटर्न, जो जो स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उन पे काम कर लीजिए। आपको दूसरा कंटेंट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्तों, बिकॉज हम ऐसे कंटेंट पे ही काम कर रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हर टॉपिक में लाने वाले हैं। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक देख पा रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध से आपका मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से डिफरेंट मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। ये सिलेबस, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, ये हमने पूरे लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस किए हैं, उसी के बेसिस से हमने इसको रेडी किया है। उसके बाद हम बात करें थर्ड टॉपिक क्यूब एंड डाइस। देखो क्यूब एंड डाइस से हमेशा 2 क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन क्यूब एंड डाइस से आएगा। तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मिरर इमेज एंड वोटर इमेज से आपका 1 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना। आकृतियां गिनना, आकृतियां गिनना से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हम बात करें वेन डायग्राम से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है। नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए, नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। उसके बाद एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सादृश्यता और वर्गीकरण, दोस्तों सादृश्यता और वर्गीकरण की हम बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन आने के
पूरे पूरे चांसेस होते हैं इन टॉपिक से, तो ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 मतलब 3 ही क्वेश्चन एनालॉजी के, 3 ही क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन के, ठीक है। उसके बाद पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन टेस्ट से आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा, और सेटिंग अरेंजमेंट से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। तो ये पूरा सिलेबस आपके सामने आ चुका है दोस्तों। काफी बार किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये जो 13 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 13 जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये 13 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक में से ये मान के चलिए 100% क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैथ के सिलेबस की। तो मैथ्स में दोस्तों आपके 15 मार्क्स का मैथ आने वाला है, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं परसेंटेज यहां पे आने वाला है। परसेंटेज को हम बिल्कुल बेसिक से कराने वाले हैं, ये मान के चलिए बहुत ही मजा आएगा आपको परसेंटेज करने में। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद रेशियो, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एग्जाम में आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एवरेज को मान के चलिए बहुत ही मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन करेंगे एवरेज के, मैंचोरेशन, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, DI, एज, वॉयल नंबर, डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी, पाइप एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो ये मान के चलिए 14 से 15 टॉपिक आपके मैथ्स के यहाँ पे आने वाले हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, SSC वाला लेवल आपका नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा डाउन ही लेवल आएगा। तो उसी लेवल से हम क्वेश्चन आपको कराएंगे कि जिस लेवल के एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर इस टॉपिक को भी करा दीजिए, तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद हम उस टॉपिक को भी कवर करा देंगे। इस बात की आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की, कि भाई कितने बजे आपकी क्लास आने वाली है। तो सबसे पहले जो आपकी डिफरेंस क्लास आएगी वो आएगी सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास, ध्यान रखना। आपकी रीजनिंग की जो क्लास आएगी दोस्तों, ध्यान रखना, सुबह 11 बजे, ठीक है। देखो फिजिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, तो सुबह उठिए, दौड़िए, आराम से नहाइए धोइए और अपना खाना खा के क्लास ले लीजिए, ठीक है। सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास रहेगी, और फिर रहेगी आपकी मैथ्स की क्लास सुबह 12 बजे, ठीक है। तो सुबह ये 2 क्लासेस आपकी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएंगी। ध्यान रखना पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले हम आपको टॉपिक का डिफरेंस बेसिक कराने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक का हम पहले आपको क्या कराएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि भाई ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका शॉर्टकट है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। मेरा टारगेट होगा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज आप तक पहुंचानी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट रहेगा कि कम से कम एक टॉपिक को हम 3 क्लास में फिनिश कर दें। एक टॉपिक को डिफरेंट हम कितने क्लास में फिनिश कर दें, 3 क्लास में हम एक टॉपिक को क्या कर दें, फिनिश कर दें। शेड्यूल क्या रहने वाला है, काफी लोगों को डाउट होगा कि सर शेड्यूल क्या रहेगा। तो क्लासेस का शेड्यूल इस तरीके से रहेगा, मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शनिवार तक तो चलेंगे आपकी क्लासेस, ठीक है। और डिफरेंट सैटरडे को, ध्यान रखना, सैटरडे को रहेगा एक टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या रहेगा समझना बड़े ध्यान से, मंडे टू फ्राइडे जो भी हमने पढ़ा है, चाहे मैथ्स में चाहे रीजनिंग में, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम आपको इस टेस्ट में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है, लेकिन मिनिमम ये मान के चलिए 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो जिससे ये होगा कि इस वीक में मैंने जो पढ़ा उसमें से मेरे को कितना आता है वो आपको पता लग जाएगा, कहां पे टेस्ट में पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी क्लास रहेगी, संडे का रहेगा ऑफ। तो डिफरेंट सच में अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम का अब निकाल लेना चाहिए, अगर है मन में कि मुझे बनना है, तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल डिफरेंट। ध्यान रखना कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है, बस उसको मुमकिन बनाने के लिए चलना पड़ता है, ठीक है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि ये सुनिया ऐसे ही सलाम नहीं करती सुल्तान,
तपना पड़ता है, तब जाके दुनिया आपको क्या करेगी, सलाम करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सच में दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज मैं आपको बात करूं डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई दिल्ली पुलिस की। अब जो स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस के हैं, ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस के हैं, राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट, ध्यान दीजिए एक बार यहां पे आप। अब राजस्थान पुलिस में क्या है कि अगर हम वेटेज की बात करें तो मैथ्स के अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, आने वाले हैं 13 से 15 मान के चलिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है। रीजनिंग का वेटेज हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान पुलिस का रीजनिंग का जो वेटेज है अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज है रीजनिंग का वेटेज है। तो सिंपल सी बात है, जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है उसके टॉपिक भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो दिल्ली पुलिस में मैंने आपको 13 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, 13 टॉपिक बताए आपको, टॉपिक बच भी गए जो राजस्थान पुलिस में आने वाले हैं रीजनिंग में। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 13 टॉपिक्स को कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं, उनको भी कंप्लीट करा देंगे। इससे क्या होगा कि दिल्ली पुलिस की जो भी तैयारी कर रहा है और जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, दोनों बच्चों का सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि सर हम दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेनिफिट ये होगा आपको कि एक ही बैच में आप दो वैकेंसी का सिलेबस खत्म कर पाएंगे, ठीक है। जो भी कंटेंट आपको डाउनलोड करना होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम का चैनल हमने बना रखा है नॉलेज बुक्स के नाम से, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो जाइए और उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास नहीं है, 9782309382, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ओनली, ठीक है। प्लीज कॉल मत करना, बिकॉज काफ़ी वर्क होता है, मैं कॉल अटेंड कर भी लूँ या नहीं भी कर पाऊँ तो आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है आप मुझे मैसेज कर दें, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो उसको मैं एक बार देख लूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी बेस्ट होगा वो आपके लिए किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपके लिए सफिशियंट रहेंगी, क्योंकि हमने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी टीम से डिस्कस करके कि ये डिसीजन लिया है कि भाई इस तरीके से हम आपके लिए क्लासेस लेके आएँ, पहले बेसिक करा दें उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा दें, ठीक है। दूसरी बात, आपके कोई भी फ्रेंड्स लोग, कोई भी आपके भाई, कोई भी आपकी बहन, अगर आर आर बी ग्रामीण बैंक इसकी क्लर्क और पीओ की वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम है सितंबर अक्टूबर के आसपास, ठीक है, तो इसका भी हम एक बैच अनाउंसमेंट करेंगे, और जो आपका वो बैच चलेगा वो रात को 9 बजे चलेगा, रात्रि 9 बजे चलेगा ये बैच। और इस बैच में प्री में सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही आएगी दोस्तों। तो अगर आपके कोई भी भाई, कोई भी बहन, आपके दोस्त अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस एग्जाम का हम एक बैच ला रहे हैं जिसमें प्री का जितना भी सिलेबस है वो प्री का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। प्री में यहां पे आ रही है मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड दूसरा आ रहा है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये सिलेबस भी हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज धूमधाम से जन्माष्टमी मना लीजिए अच्छे से, है ना, श्री कृष्ण जी से धोखा लीजिए, राधा माँ से धोखा लीजिए कि बस हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें कि हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ें, मेहनत करें और सफलता पाएं, ठीक है दोस्तों। तो अलविदा लूँगा आपसे, तो चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।